तो बिग बैश लीग में कल को जो 46वां मुकाबला खेला जाना उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी ड्रीम 11 टीम के लिए, बल्लेबाज ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज यार वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आपका लगता है सिर्फ एक मिनट, लेकिन मुझे एक वीडियो बनाने में 2.5 घंटे लगते हैं। तो ये मुकाबला खेला जाएगा पर्थ स्कॉचर और सिडनी थंडर टीम के बीच, और ये मुकाबला 20 जनवरी को यानी कि कल को पर्थ स्टेडियम में खेला जाएगा, और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार शाम को 4:10 पे शुरू हो जाएगा। इससे पहले इस ग्राउंड पे 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं बिग बैश लीग 2019-20 सीजन के, यानी कि सीजन के, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 4 मुकाबले जीती, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 1 मुकाबला जीती। और अगर बात करें पेस बनाम स्पिन की, तो यहां पर तेज गेंदबाजों ने 42 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 17.14, इकोनॉमी रेट 9.21, स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर 13 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 24.0, इकोनॉमी रेट 7.23। यहां पर अगर देखें तो विकटें ज्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, स्ट्राइक रेट के मामले में तेज गेंदबाज बहुत आगे हैं स्पिनर गेंदबाजों से, इकोनॉमी रेट के मामले में अगर देखा जाए तो वहां पर थोड़ा सा स्पिनर गेंदबाज आगे हैं। ओवरऑल अगर देखें तो यहां पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहां पर एवरेज स्कोर 172 रन, सबसे बड़ा स्कोर बना 213 रन, सबसे कम स्कोर बना 126 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 174 रन। और अगर बात करें पावर प्ले के आंकड़ों की, तो पावर प्ले में इस ग्राउंड पे एवरेज स्कोर है 49 रन, 18 विकेट गिरे हैं, तो मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पे पावर प्ले में ज्यादा विकेट गिरते हैं लेकिन साथ में रन भी बनते हैं। और अगर बात करें मौसम की, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 30 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक, क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की शंका नहीं है। और आप बात करते हैं टीम्स के बारे में, तो यहां पर पर्थ स्कॉचर टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पे है, उसने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं। और दूसरी ओर सिडनी थंडर टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पे है, उसने 11 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीते हैं, 5 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला बेनतीजा रहा है। और इन दोनों टीमों के बीच बिग बैश लीग 2019-20 सीजन में, यानी कि सीजन में अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है। और अब आपको दिखाते हैं पर्थ स्कॉचर टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं मिचेल मार्श हैं कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं सिडनी थंडर टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं कॉलम पर क्वेश्चन है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, जॉश इनग्लस 324 रन, कॉलम फर्गूसन 310 रन, उस्मान खवाजा 260 रन। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, डेनियल सैम्स 20 विकेट, जे रिचर्डसन 14 विकेट, फवाद अहमद 13 विकेट। और अब आपको दिखाते हैं पावर हिटर जॉश इंग्लिस, इनका स्ट्राइक रेट है 158.05। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज, इनफॉर्म गेंदबाज और पावर हिटर ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब आ रही है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला पर्थ स्कॉचर टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।